बाबू तेरा दिल दुखा के बहुत बड़ा अपराध किया मैंने। मुझे माफ कर दे बाबू। रहने दे, रहने दे बेटा। कौन जाने कब तू सच कह रहा है और कब नाटक कर। इंसान को जीते जी मार कर माफी मांगने की अच्छी रीत चलाई है तूने। तू जाने है ना बेटा कि मां का कालजा तो बहुत बड़ा हो, उसके सामने हाथ छोड़कर कान पकड़कर पैर पकड़कर माफी मांग लूंगा ना, तो माफ तो करेगी ही करेगी ना बेटा। अरे मां से माफी मांगने की क्या जरूरत है? अरे तुम पति पत्नी खुश हो ना, खुश रहो, पर मारी इतनी अरदास है बेटा, माँ के लिए प्रेम जताने का नाटक बंद कर दे छोरे, बंद कर दे। अब बर्दाश्त ना होगा छोरा, थारी बाबू से बर्दाश्त ना होगा। बाबू बाबू ऐसा नहीं है, आप तू तो रहने दे बेनी, तू दुखी क्यों है? रे तारा पति तो सिर्फ तारे लिए ही जिए और मरे है। थारे हर सुख दुख में थारा साथ दे। रे 16 सोमवार के 16 बरस के हर सोमवार का भी व्रत रखेगी ना तो भी ऐसा बिंद ना पाएगी तू जो तूने पाया। थारी हर मुश्किल में थारा सहारा बनकर खड़ा हुआ है वो, चाहे 15 दिन की परीक्षा की बात हो या तने तमगा दिलाने के लिए अपना हाथ कटवाना, इसका तो सीधा मतलब है कि तू थारे पति से खुश है, घर से खुश है, देवर देवरानी से खुश है, ननन से खुश है, फिर दुखी क्यों, किसके लिए? बच्ची मैं क्योंकि मारे कारण थारे पास ये सब कुछ होते हुए भी थारी जिंदगी में ग्रहण लगा था। पर मारा छोरा तुझे इस ग्रहण से मुक्ति दिलाने के लिए अपनी मां के सामने नाटक रचाए बैठा था। वो अब गलत सोच रही है। हाँ। ये वो वजह नहीं है जिसके लिए उन्होंने ये सब किया। वो अब मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। सही कहा तूने, बिल्कुल सही कहा बेनी। रे इसे मैंने अपनी कोख से जना थोड़ी ना है, पीपली के पेड़ से तोड़ कर लिया है। औलाद ने समझाने के लिए भी मने बीनड़ियों का सहारा लेना पड़ेगा। सही कहा तूने बेटा। बाबू मैं आपको आपके बेटे के बारे में नहीं हालात की गलतफहमी के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। बाबू मैं आपको सिर्फ ये समझाना चाहती हूँ कि एक बार को मेरे पति गलत हो सकते हैं पर आपके बेटे नहीं। बाबू आपके बेटे गलत नहीं है, वो गलत नहीं है।
भाभो, मैं जानती हूँ कि इस वक्त आपको किसी की कोई बात नहीं सुननी है, पर मैं आपके बेटे का पक्ष लेकर नहीं आई हूँ, आपको पूरी बात बताने आई हूँ। क्योंकि अगर सच जाने बिना आप अपने बेटे को सजा देंगी तो ये उनके साथ अन्याय होगा भाभो। कई बार सच सुनने से ज्यादा देखना जरूरी हो, और जो मुझे देखना था ना, मैं देख चुकी हूँ। अब मैंने अकेला छोड़ दे भाभो, कहीं मैं सामने देखा हुआ सही नहीं होता, देखने जाए तो पत्थर ही दिखे, लेकिन समझे तो मंदिर में रखे उसी पत्थर में भगवान भी बसते हैं। आपको मेरी बात सुननी भी होगी और समझनी भी। भाभो, आपको लगता है कि आपके बेटे ने सिर्फ और सिर्फ मेरी खुशी के लिए नाटक किया, पर ये पूरा सच नहीं है भाभो। उनके ये सब करने के पीछे एक वजह आपकी खुशी भी थी। आज आपको अपने बेटे का लोगों के सामने बुरा बनना बर्दाश्त नहीं हुआ, तो क्या आप ये बर्दाश्त कर पाती जब आपकी बहू इन्हीं लोगों के सामने आपके बेटे को छोड़कर चली जाती? और हाँ बाबू, तब ये लोग आपके बेटे से नाराज नहीं होते, हंसी उड़ाते उनकी। उन्हें अपनी हंसी उड़ने की ना कभी चिंता थी ना कभी होगी, चिंता आपकी थी कि कहीं दाईसा जैसे लोग मौका पाते ही आपके पास आकर आपकी हंसी ना उड़ाए। बाबू, इन्होंने ये नाटक किया ताकि कल को कोई ये ना कह सके कि देखो सास बहू को संभाल नहीं सके, परिवार को सही से चला नहीं सके। अगर उन्हें मेरी परवाह थी तो आपके मान सम्मान की भी चिंता थी। बाबू, आपके बेटे चुपचाप जहर पीते रहे, खुद को मारते रहे, अपने आप को जलाते रहे ताकि हम पर कोई उंगली ना उठा सके, हम पर कोई आंच ना आए। यह है वो सच्चाई भाभू जो आपको बतानी बहुत जरूरी थी। अब इसके बाद आप चाहे जो फैसला लें, मैं माँ बेटे के बीच में ना कल थी ना कभी आऊंगी। आप तो रूठी रूठाई बैठी हैं, खुद का गुस्सा तोड़ेंगी और खा लेंगी और पेट भर लेंगी। अरे थारा क्या होगा मीना, तू तो भूखी मर जाएगी। और तू मर गई ना तो ये तो दो दिन ही लगाएंगे हमारी सौतल लाने के लिए। एक काम करती हूँ, दो दिन लड्डू गपा गप खा जाती हूँ, जाने तो जहान है, चिंता भी तो रहना है। हाँ मीना, तू खा ले। विक्रम, छवि, खाना खाने के लिए नोता आने का इंतजार कर रहे हो, खाते क्यों नहीं?
संध्या बीनी जी बाबू सूरज का जिमेगा नेके इंतजार की ड्यूटी करने के अलावा चल चल खाना खा ले। बाबू मुझे भूख ना है। चल बाबू तू बता पहले तूने मुझे माफ कर दिया ना। मैं थारी तरह बात पकड़ कर बैठी ना रहूं। जन्म दिया है ना तूने तो मुझे भी लड़ने का रूठने का और रूठ कर मान जाने का हक है। खाना खा ले नहीं तो थारी लुगाई के सामने थारी गाल पर दो तमाचा दूंगी। अरे नाटक ना होगा असली होगा। चल खाना खा ले। बाबू पता नहीं पिछले जन्म कौन से देवी देवताओं की पूजा सेवा की होगी मैंने इससे हमें थाले जैसी मां मिली। मुझे माफ कर दिया ना भाभी। थारा प्यार पूरा हो गया हो ना तो चल थारी इस मां को भी भूख लगी चल। मुझे माफ कर दिया ना बाबू। अब माफ कर दिया फिर भी कान पकड़े चल खाना खा ले बहुत जोर की भूख लग रही है मैंने। सूरज बचपन में तुझे कुर्सी पर बैठकर खाना अच्छा लगता था ना चल बैठ कुर्सी पर। बीनियों खाने की थाली अठई परोस दो आज हम सब यही खाएंगे। जी बाबू ये लीजिए।
ये ले छवि। पहले तू खा। ले छोरा खा। भाबो ये सारा का सारा प्यार भैया को ही दे देगी के हा? मन्ने के खेत में से खोद के लाई थी। नाटक मंडली ले खा। वाह भाबो मजा आ गया। वैसे माँ के हाथ से खाने का स्वाद ही अलग है। मजा आया खाना बनाते हुए। हाथ जले मारे, कमर टूटी मारी, और मजा इनको भाबो के हाथ से आ रहा। जलना मीना बीनड़ी, थारे लिए भी थोड़ी तारीफ छुपी है इसमें। हाँ? गलती से ही सही पर सब्जी स्वाद बनी है। बाबू आप हुकुम दे, मैं जान देवा आपको बस। अरे गजब हो गया आज तो। किसी पंडित ने बुला के आज की तारीख लिखवा लो पुष्कर के इतिहास में। अरे भाई क्यों घूर रहे हो? आज पहली बार एक सास, वो भी संतोष जैसी सास को बींदने की बात सही लगी। और तभी तो संतोष ने संध्या की बात सुन के सूरज को माफ कर दिया। बाबा साहब। हनुमान। हे महाराज लाइए, मैं रख देती हूँ। संध्या जी पर ये मेरे हाथ, ये भी तो धोने हैं, ये कौन धोएगा? मैं रख देता हूँ। चौधरी ये कपड़ा मुझे दे दो, तुम रसोई संभालो। जेना समझना कि थारे कहने से मैंने सूरज को माफ कर दिया है। मारे परिवार की खुशी मारे लिए मारे गुस्से मारे मान सबसे बढ़कर है। और मैंने जो कुछ भी किया है ना, मारे परिवार की सुख शांति के लिए किया है। 300 रुपए दे मेरे, शर्ट खराब करी मेरी तूने। ट्रे मोहित, पैसे तेरी जेब में, पैसे निकाल। एक बात और, बर्तन मांझ लिए। घर में अगर काकरोच हो गए ना तो मुट्ठी भर कर थारे पलंग पर ही छोड़ाऊंगी। जी बाबू। दिनों बाद नई शर्ट लाया था मैं। हाथ धुला। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस YouTube पेज को।